जय हिंद गाइस, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और समाधान स्टडी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज मैं लेके आओ फिर से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वाली क्लास, जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो जल्दी से आपको क्या करना है, क्लास को ज्वाइन करना है। आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन पहुँचे हमारा इस क्लास का, तो क्लास को जल्दी से जल्दी पूरा ही पूरा क्या करना है, देखना है और नोट करना है। यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। तो चलिएगा, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। देखिएगा, जीवाणुओं के लिए आपका समूह को कसीम कवक कहा जाता है। माइट्रोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, आपका एक्टिनोमाइसिटीज माइसिटीज या फिर आपका मिक्सोबैक्टीरिया। तो देखिएगा, आपको मैं तीन सेकंड प्रोवाइड करते रहूँगा, आप लोग आंसर जो है अपने मार्क्स बताइएगा, आंसर करके अपने मार्क्स बताइएगा हाँ क्या इसका बेटर आंसर हो सकता है। देखिएगा, आपका आंसर की बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। क्या था आपका? एक्टिनोमाइटिजीज इसका करेक्ट आंसर था और आपने बहुत अच्छे से सही भी कर लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछ रखा है आपसे, कि पादप कोशिका की भित्ति में पाया जाने वाला सेलुलोज बनता है ग्लूकोज से या फिर आपका बीटा ग्लूकोज से, गैलेक्टोज से या फिर आपका फ्रक्टोज से। देखिएगा, राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो राइट आंसर आपका बीटा ग्लूकोज से इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। गाइज, आपकी ये 10 से 15 मिनट आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं, तो आप लोग सोचिए कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है ये क्लास आपके लिए। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे, इन्होंने पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से मोनोकार्पिक पौधे कौन सा है। ठीक है, कौन सा मोनोकार्पिक, अंगूर, केला, आम, अनार, तो क्या आंसर होना चाहिए? वेरी गुड। देखिएगा, आंसर की बात कर लूँ तो केला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बनाना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है पर देखते हैं क्या पूछा गया है। ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए एटीपी के कितने अणु की आवश्यकता होती है? देखिएगा, आपका C3 चक्र में 9 एटीपी तथा C4 चक्र में 20 एटीपी, C3 चक्र में 8 एटीपी तथा C4 चक्र में 30 एटीपी, C3 चक्र में 22 एटीपी तथा C4 चक्र में 35 एटीपी, C3 चक्र में 24 ATP तथा C4 चक्र में 36 ATP। तो ये तो आंसर सभी को पता था, क्या होने वाला है इसका आंसर, C3 चक्र में 83, ठीक है, 18 और ATP में कितना होगा आपका, 30 होगा। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नहीं होगा, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था, ये आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए, किस लेवल के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, गाइस इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी करना है और आपको हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना है। जितना भी स्टूडेंट इस क्लास को देखेगा, हमारी लाइव क्लास जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। इस ऐसे ही पैटर्न पर मैं आपको लाइव क्लास में समझाता हूँ। देखिएगा, आपसे पूछा है फर्न में जाइलम्स होता है, क्या है फर्न में जाइलम्स होता है, एक्सार्क या फिर आपका मीसार्क या फिर आपका एंडार्क या फिर आपका पालीआर्क। राइट आंसर की बात कर ले हम लोग तो मीसार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिएगा, चलते हैं आगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वह वर्णक जो लाल योम दूरस्थ लाल प्रकाश अवशोषित करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या है कि वह वर्णक जो लाल योम दूरस्थ लाल प्रकाश को अवशोषित करता है क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइटोक्रोम, सेकंड है आपका कैरोटीन, थर्ड है आपका साइटोक्रोम और आपका चौथा है आपका जेंट्रोफिल। राइट आंसर की बात कर ले तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। ओके, क्या होगा? फर्स्ट आपका फाइटोक्रोम इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिएगा, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें फिलामेंट और इथेर अपनी पूरी लंबाई तक जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं।
सिनोड्रस या फिर आपका गाइनेड्रस या फिर आपका प्रोटेंड्रस या फिर आपका क्या कहलाएंगे, सिंजेनेसियम। तो राइट आंसर की बात कर ले, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सर जी फर्स्ट, सिनेड्रस कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा चलते आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपसे। नेक्स्ट है आपका विषम वर्तिकाल, आपका हिस्टोरो स्टाइली किसकी द्वारा प्रदर्शित होता है, प्रीमुला या फिर आपका मीराबिलियस या फिर आपका हेली एंथस या फिर आपका चाइना रोज। राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। राइट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन कि आपका प्रीमुला इसका राइट आंसर हो, क्या होगा, प्रीमुला इज राइट आंसर। देखिए तो डायरेक्ट इसी ने क्या कर दिया, ट्रांसफर करके दे दिया आपको इंग्लिश का, इंग्लिश में ही। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि सोमेटोट्रॉपिक्स हार्मोन्स तथा थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स स्त्रावित होता है। फर्स्ट में आपका क्या होगा, लाइसोसोम द्वारा स्त्रावित या फिर आपका एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम द्वारा या फिर आपका गाल्जी बॉडी द्वारा या फिर आप उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर की बात कर ले तो गाल्जी बॉडी के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, गाल्जी बॉडी के द्वारा यह नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिएगा चलते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लोहे के अप्रभाव से सीधे प्रभावित होती है। क्या पूछा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लोहे के अप्रभाव से सीधे ही प्रभावित होती है, ग्लाइकोलिसिस या फिर आपका केल्विन चक्र या फिर कोशिका का डीपीडी स्तर या फिर आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर ही आपका राइट आंसर होने वाला है कि ऑक्सीडेटिव और फास्फोरिलीकरण इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे। तो इन्होंने पूछा है कि ब्रायोफाइटा के मादा गेमिटेजिया कवक के मादा गेमिटेंजिया से भिन्न है निम्न लक्षणों में, तो किस लक्षणों में यह भिन्न है, यह आपसे पूछा गया है। आपका दिया है लार्ज नेक या फिर आपका वेंटर या फिर आपका मध्य कोशिकाओं युक्त जैक्टेस पर्त या फिर आपका एक अंड कोशिका। राइट आंसर की बात कर ले तो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सी इज़ राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अगर आपका सी आंसर आ रहा है तो ओके, क्या होगा, बंध्य कोशिका युक्त जैकेट पर्त इज राइट आंसर। चलिएगा चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माइटोकांड्रिया में इलेक्ट्रॉन्स अभिगमन तंत्र स्थित है, तो बाहरी झिल्ली में, अंतर क्रिस्टली स्थान में, आंतरिक झिल्ली में या फिर आपका आंतरिक झिल्ली स्थान में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंतरिक झिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, आंतरिक झिल्ली में, ऑप्शन नंबर ही सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है इन्होंने कि ऐसे जीवाणु जिसमें फ्लेजेला अनुपस्थित होते हैं जो ग्लाइडिंग द्वारा गति करते हैं को किस समूह में रखते हैं, तो उसे किस समूह में रखा जाता है, यह पूछा है। स्पायरोकिट्स में या फिर आपका रेकेटसिया या फिर आपका मैक्सोबैक्टीरिया या फिर आपका यू बैक्टीरिया, तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जान ले क्या, तो बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आया है कि मिक्सो बैक्टीरिया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट था। चलिए चलते आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा आपसे। तो फर्न के वास्कुलर सिलेंडर में लिप गेप होता है, क्या कहलाता है, मतलब क्या है वह बताना है, एयर स्पर्स, पेरेनकाइमेटस क्षेत्र या फिर आपका कोलेनकाइमेटस क्षेत्र या फिर पूरी तरह से फ्लोमिक क्षेत्र। देखिएगा राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी इज राइट आंसर। अगर आपका बी आया है पेरेनकाइमेटस क्षेत्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं, देखिएगा इस नेक्स्ट क्या है आपका, पोलन एम्बियोइट्स की खोज की किसने की, गुहा तथा महेश्वरी ने, स्टर्डर्ड या आपका
बाहिट ने या फिर आपका कोनार तथा नटराज ने या फिर आपका निश्च तथा स्कून ने। राइट आंसर की बात कर लूँ तो गुहा तथा महेश्वरी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके तो गाइस ये थे आपके महत्वपूर्ण कितने क्वेश्चन, हमने अभी 15 क्वेश्चन किया। आपको पता है मैं डेली आपको 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, इससे आप लोग बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार क्लास को देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, उस पर बेस्ड आते हैं कि किस तरीके से ये साल भर में क्वेश्चनों को क्या करता है, उसका लेवल अप करते जाता है। अभी जो है मैं ओल्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब पहले करवाया जो न्यू वाले थे, तो आप लोग देखिए कि कहाँ से कहाँ लेवल पहुँच रहा है, जिससे आपकी स्टडी में बहुत ही शानदार तरीके से इम्प्रूवमेंट आएगा और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। और आशा करता हूँ गाइस हमारी यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यह डेली क्लास रिकॉर्डेड अपलोड होती है। तो आशा करता हूँ आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताइए जो स्टडी कर रहा है, पीएनईटी, डाइट, वेटनरी की, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिएगा इसी के साथ ये सेशन से विदा लेते हैं। जय हिंद एंड नमस्ते।